हेलो गाइस यार, कैसे आप सभी लोग। आज की वीडियो में भाई हम बहुत दिनों बाद भाई वापस आ चुके हैं। तो आपने भाई थंबनेल और टॉपिक से थोड़ा सा जजमेंट तो कर ही ली होगी। तो यार जिसको भी नहीं पता, ठीक है, आज की वीडियो में हम भाई जो लिली विल है हमारा, जो एसएमपी है भाई, गेमर फ्लीट का एसएमपी, भाई का एसएमपी है, तो उसके अंदर आपको पता है कि बहुत ज्यादा वॉर हो रही है, ठीक है। तो ऐसा सा माहौल है, और बट उसकी सिक्योरिटी के लिए भाई हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने पहले तो कुछ नहीं किया था। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम अगर उनके मेंबर में से कोई भी यार वीडियो देख रहा होगा तो प्यारा सा कमेंट कर देना भाई। और यार मैं ये तो नहीं कर रहा कि एकदम मैं परफेक्ट हूँ, बट मैं कोशिश करूंगा कि एज्यूम कर भाई कि ये लिली विल है और इसकी हमारी वॉल्स ऐसी होनी चाहिए, इसका डिफेंस ऐसा होना चाहिए। तो चलो यार बिना किसी देरी के अभी वीडियो को शुरू करते हैं। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो। तो चलो अभी फटाफट से वीडियो की तरफ को। सबसे पहले तो हमें लिली विल को इस अनब्रेकेबल वॉल की चारों तरफ से इसको उसकी बाउंड्री करनी पड़ेगी। और अभी जो ये मैं गड्ढा खोद रहा हूँ ना, तो ये ना हमारी भाई जो हमारा, आपको पता है कि इससे बाहर नहीं चीजें जानी चाहिए, क्योंकि यार ये आप खाई मान लो, ठीक है, कि ये खाई है, ठीक है। और भाई जिसको नहीं पता कि अनब्रेकेबल वॉल कैसे बनती है, तो यार उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वो आप देख लेना। तो सबसे पहले तो हमें इस ऐसी वॉल की ना चारों तरफ बाउंड्री करनी है, ठीक है भाई। बहुत ही ये TNT प्रूफ वॉल होती है, ठीक है। इसमें भाई आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर वाटर डलता होता है, स्टेयर्स होती है, तो सिंपल होती है भाई। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो देख लेना, ठीक है। यार अभी मैंने ना इसके ऊपर कुछ चीज ऐड की हुई है, और जिसको नहीं पता तो यार मैं दिखा देता हूँ अभी थोड़ी देर में भाई। और ये सबसे पहले तो ना अभी यार ये क्रीपर, बट अबे भाग रहे, तो ये मैं दिखाता हूँ आपको ऊपर चढ़कर। और ऐसे ही कुछ मैंने ना ऊपर भाई बाउंड्री डिस्पेंसर लगा दी है, इस डिस्पेंसर में ना भाई पॉइजन वाले एरो हैं और लीवर लगाया हुआ है। तो यार ये छोटी बहुत यार छोटी वॉल है, ठीक है। तो इसीलिए उसमें लीली विल में हमारे भाई बहुत बड़ी वॉल होगी, और देख लो भाई पॉइजन के एरो हैं। तो इसलिए थोड़ी सी अभी इसमें रेड स्टोनिंग करते हैं, और ये देखो लीवर भाई बार बार वॉर में कौन दबाएगा, ठीक है। तो ये भाई सबसे पहले थोड़ी सी रेड स्टोनिंग कर लेते हैं, और ये देखो भाई हमारे इतनी दूर ये पॉइजन वाले हमारे एरोज आ चुके हैं भाई। अभी मैं ना यहाँ पर बहुत सारे हॉर्सेस स्पॉन करने वाला हूँ, क्योंकि यार मैं आपको दिखाऊंगा कि वो हमारी डिफेंस कितना इफेक्टिव है, और भाई ये वॉर में ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। क्योंकि ये अभी छोटी सी भाई बहुत ही कम साइज की वॉल है, बट जो हमारी जब पूरा इससे हमारा ये हो जाएगा, बर जाएगा पूरा, आप सोचो इस एंड से उस एंड तक, ठीक है। तो यार ये कितनी इफेक्टिव होगी, और यार मुझे शायद से इसका ना थोड़ा सा टिक सही करने पड़ेंगे। तो यार भाई अभी मैंने टिक सही कर दिया, और ये देखो अभी अभी हमारे ना, अबे यार अभी यार टिक सही किए थे, अभी एरो एरो खत्म हो गए यार उसमें। कोई नहीं, एरो भाई दोबारा रिफिल कर अभी मिलता भाई, 2 मिनट रुक जाओ। तो ये देखो भाई अभी हमने कर दिया, और भाई यार ये आप देख रहे होगे कि आप सोच रहे हो कि इसमें कितने हॉर्सेस मर तो रहे नहीं, तो यार पॉइजन के भाई एरो का क्या काम होता है। तो ये एरो हमें एक या हाफ आर्ट पर भाई कर देता है, ठीक है, बाकी बहुत डैमेज पड़ेगा। और भाई अगर वो बंदे होंगे ना जो वॉर में हमारे जो सोल्जर्स होंगे, तो उन पर बहुत इफेक्टिव होगा, क्योंकि यार ये वॉर में भाई अभी लिली विल का कोई और सिस्टम है, ठीक है भाई, उसकी हाइट वगैरह कुछ और है, और यहाँ पर भाई अभी एक गड्ढा है, ठीक है। मैंने वही चीज सिलेक्ट की है, देखो फिर भी यार भाई बहुत बंदों को डैमेज पड़ रही है, हमारे हॉर्सेस को डैमेज पड़ा हुआ है, और इनकी भाई HP भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये इनको इतने मरे नहीं, ठीक है, बट इनको डैमेज पड़ा हुआ है। मैं आपको इनके ना ऊपर राइड कर भी थोड़ा सा दिखा दे, क्योंकि इनके कितने हार्ट्स हैं। अभी यार देखते हैं कि इनके ऊपर टेस्ट कर की, अरे भाई साहब राइड करना था ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यार आप सोच पा रहे होगे, आप सोच रहे होगे कि भाई इससे क्या फायदा, ठीक है, अगर इसने हेल्थ कम करनी है, तो भाई अगर वो वॉल के ऊपर चढ़ेंगे और उनके जो हमारे मेंबर्स हैं भाई लिली विल के, तो अगर वो इनके ऊपर एरोज बरसाएंगे तो बहुत ज्यादा भाई इनको डैमेज होगा, ठीक है। और एक तो यार ये चीज है हमारा डिफेंस, ठीक है, एक हमारी वहां पर लगी कैनन्स, जो हमारे भाई जो पिलर्स होते हैं ना
आपने बाउंड्री पर देखा होगा कि जो पिलर्स हैं ठीक है उन पर कैनन लगी, या फिर भाई लाइक थोड़ा सा ना पीछे आकर लाइक लिली विल के अंदर से मोटार लगेगी ठीक है, तो उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, तो वो लिली विल के अंदर से लगेगी ठीक है, वो भाई बहुत ही गंदा डैमेज देती है भाई। अगर आपने नहीं देखी ना मेरी मोटार वाली वीडियो, तो वो इसी चीज़ों के लिए भाई बनी हुई है लाइक वो यहाँ पर से लाइक अंदर वॉल के अंदर से ठीक है, तो वो बाहर तक भाई डैमेज कर देगी ठीक है, तो वॉल की भाई जो लाइक लिली विल के अंदर से और वो बाहर की और डैमेज करेगी, बहुत ही गंदा डैमेज करती है भाई वो। और वो भाई इतनी इफेक्टिव है ना भाई, आप देखते रह जाओगे लाइक। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देखना भाई पक्का देखना उसको वीडियो को। और सोचो यार अगर वो लाइक, और हमारी सोचो कि हर बाउंड्री लाइक एक वॉल पर 5-6 कैनन्स लगी होंगी, तो भाई 200 बंदा ठीक है, तो यार वो भाई आराम से भाई एकदम प्यार से वो लाइक 50-60 बंदों को तो शायद से भाई ढेर कर ही देगी। और अभी मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा भाई आपके कहने पर, उसमें भाई एकदम पूरे मैं बताऊंगा कि लाइक बेस बनाने जो हमारे बंकर्स होते हैं ठीक है, लाइक जो वॉर बंकर्स होते हैं, तो वो हम पार्ट 2 में बनाएंगे। अगर आपको चाहिए ठीक है तो मुझे बता देना, वैसे मैंने बंकर्स वाली वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आपको चाहिए कि मैं आपको प्रैक्टिकल सब कुछ कर दिखाऊं, अंदर मोटार लगा कर दिखाऊं, फिर सब कुछ बना कर दिखाऊं, तो वो मुझे कमेंट कर देना भाई, पार्ट 2 भी इस वीडियो को बना दूंगा मैं। हाँ यार भाई ये थी आज की वीडियो, और भाई मुझे पता है कि बहुत भाई लेट वीडियो आई है, तो यार मैं भाई एक चीज़ आपने आपसे पूछनी थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई एक नया चैनल ना मैं स्टार्ट करूँ ठीक है, उसका भी नाम हमारा इन्फाइनाइट नागराई होगा यार इस चैनल वाला, बट वो है ना कि भाई ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी लाइक अगर Q&A वगैरह हुआ तो उस वक्त बताऊंगा कि मैंने क्यों ये डिसीजन लिया, तो यार मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा या फिर उसको वीडियो में बता दूंगा कि उसको जाकर सब्सक्राइब कर लेना भाई, पक्का कर लेना ठीक है। फिर उसके ऊपर भाई एकदम फ्रेश टॉपिक्स ना, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक उसके ऊपर शुरू करेंगे, तो मुझे बता देना भाई, सपोर्ट करो थोड़ा। तो चलो यार ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम मिलते हैं एक और अगली नई मज़ेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।